जबलपुर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रामेश्वर साहू बंटू ने दिनांक 11 मार्च 2024 कलेक्टर जबलपुर को एक लिखित शिकायत दी। शिकायत में रामेश्वर ने लिखा है कि बरेला थाना क्षेत्र में अवैध मुरम ओवरलोडिंग वाहन का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है एवं नर्मदा नदी से मशीन लगाकर अवैध रेत निकाली जा रही है, जिसमें बरेला थाना प्रभारी रात भर इसकी चौकीदारी करते हैं। देखिए रामेश्वर साहू बंटू ने क्या कहा। आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन में आज कलेक्टर महोदय एसपी महोदय और आरटीओ महोदय जबलपुर को हमने ज्ञापन दिया है कि हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में और जनपद पंचायत क्षेत्र में नर्मदा नदी में अवैध कुटखनन इंजन वाली हाईटेक मशीन लगाकर पानी के अंदर से रेत निकाली जाती है एवं 200 मशीन से लोडिंग की जाती है पूरी बार। थाना प्रभारी भी उसमें खड़े होकर गाड़ी निकलवाते हैं, रात भर चौकीदारी करते रहते हैं। लगातार शिकायत की जा रही है, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके सारे साक्ष्य बोट की वीडियो है हमारे पास, जो नदी से रेत निकाल रही है 200 के वीडियो हैं। अवैध भाग चल रहे हैं जो ठेकेदारी की लिस्ट में है ही नहीं, ऐसी रॉयल्टी घटती है जो कि बैलेट 1:30 बजे से हो जाती है और जनरेट 1:30 बजे से हो जाती है और ट्रांसपोर्टिंग टाइम 6 बजे से चालू होती है। 11 घंटा की रॉयल्टी लेकर 6-6, 3-3, 4-4 चक्कर टोकन में एक रॉयल्टी पर, वो भी 500 क्यूबिक मीटर 16 क्यूबिक मीटर की रॉयल्टी पर 40 घन मीटर रेत लोड कर ले जाई जाती है 12 चक्कर में। इसके बाद उसमें भी 3 चक्कर, तो मतलब एक रॉयल्टी में लगभग 50 घन मीटर की चोरी ये हो रहा है, जिसकी 7 शहर मेरे पास रॉयल्टी भी मौजूद है। अवैध भंडारण जो किया जा रहा है, अभी शारदा मंदिर में एक डंपिंग है, उसमें 1500 गाड़ी का रॉयल्टी उनके पास ठेकेदार पर, और गाड़ी 7,500 हाईवा माल वहाँ पे डंप जो अवैध रूप से 5 घंटे का समय देकर बेच रहे हैं कि 5 घंटे का समय दे रहे हैं एक रॉयल्टी पर और 3 चक्कर लगा लें, ताकि हमारा 1500 रॉयल्टी में 7,500 गाड़ी माल बिक जाए। ये सबसे बड़ा राजस्व का नुकसान है। अवैध मुरम 180 किलोमीटर दूर की रॉयल्टी काट कर, जो कि अधिकारियों को पता है, अवगत कराया गया है, पीआई महोदय स्वयं खड़े होकर गाड़ी निकलवाते हैं रात अवैध तरीके से 180 किलोमीटर। मेरा आपसे भी कहना है कि 2000 की मुरम क्या कोई डिंडोरी लेके जाएगा जबलपुर से? 180 किलोमीटर डिंडोरी की रॉयल्टी करती है, और ये बरेला थाना क्षेत्र के मामला है, और सारे नर्मदा पूरी नर्मदा नदी में अवैध उपकरण 200 मशीन और चेन माउंटिंग मशीन बोर्ड मशीन के हाईटेक वाली बोर्ड मशीन जो पानी के अंदर से पूरा प्रदूषित करते हुए जीव जंतु और सभी को नुकसान है इससे, और माँ नर्मदा प्रदूषित हो रही है। इससे हम सबकी आस्था और नर्मदा माँ के भक्तों के साथ आस्था है। मैं यही मांग कर रहा हूँ शासन प्रशासन से कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ओवरलोडिंग में कार्रवाई की जाए। हमारे क्षेत्र की रोडें जर्जर हो रही हैं, टूट रही हैं, और राजस्व का इतना बड़ा नुकसान है, और रॉयल्टी अब जब देखेंगे आप तो आप खुद समझेंगे कि ये 400 DC का भी मुकदमा कायम होना चाहिए। हम लोगों की ये भी मांग है कि भाई जो भी मोटर मालिकों के लिए भी हम ये चाह रहे हैं कि अगर आपने 1000 फुट माल दिया तो 1000 फुट की ही रॉयल्टी कटना चाहिए, हम क्यों 500 फुट की? रामेश्वर साहू जनपद उपाध्यक्ष जबलपुर। तो आपने सुना, थाना प्रभारी बरेला को रात भर चौकीदारी करने का आरोप रामेश्वर साहू बंटू की तरफ से लगाया गया। इसके बाद हमारी टीम थाना बरेला पहुंची, जहां थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकार ने हमें चौंकाने वाली बात बताई, जिसे सुनकर हम भी दंग रह गए और शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। सुनिए थाना प्रभारी बरेला जितेंद्र पाटकार ने हमें क्या बताया। आज जबलपुर में कलेक्टर महोदय के पास एक व्यक्ति ज्ञापन लेने आया थे, रामेश्वर साहू जो जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन होता है और आप उसकी चौकीदारी करते हैं। देखिए क्या है, रामेश्वर साहू के संबंध में जब उसने पूर्व में एसपी साहब को शिकायत की थी, तो मौके पर जाके खनिज अधिकारी पुलिस की टीम, खनिज अधिकारी में राकेश देशमुख मिश्रा जी वगैरह ने जाकर चेक किया था, जो उसने वीडियो प्रस्तुत किया था उसकी बाकायदा जांच की थी और दोबारा वीडियोग्राफी, जिसके साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध हैं, इस प्रकार का कोई अवैध उत्खनन नहीं पाया गया है। और रही बात रामेश्वर साहू की, जिसे थाना बरेला का निगरानी बदमाश में लाए जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है, रामेश्वर साहू हमेशा से ही पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ रहा है, जो पुलिस पर दबाव बनाने के लिए झूठी
झपाटी शिकायतें करता रहता है। रामेश्वर के विरुद्ध गढ़ा थाने में 64 मोटरसाइकिलें चोरी करने तथा पुलिस के साथ अभद्रता करने का केस रजिस्टर्ड है। थाना बरेला में एक सक्रिय बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने का भी केस है, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जिसे शीघ्र ही तामील कराकर रामेश्वर साहू को जेल भेजा जाएगा। पुलिस रामेश्वर साहू के दबाव में बनी रहे इसलिए रामेश्वर साहू शिकायतें करता रहता है। एक शिकायती आवेदन रामेश्वर साहू द्वारा बमनी के एक आवेदक के साथ लूट करने का भी है, जिसमें जाँच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है।